अभी मलाई कबाब का भी सलाई में डाला है और अभी इसको डायरेक्टली तंदूर में डालेंगे। तो दोस्तों आज मैं नासिक फूड कोर्ट में, जो कि है अशोका मार्ग नासिक में, सामने देख सकते हैं वहाँ पे बीबीक्यू एक्सप्रेस है। मलाई कबाब, ओके। तो मलाई कबाब का मसाला इस पे लगाया जा रहा है। तो ये कितने पीस आएंगे एक में? हाफ में 6 पीस आएंगे और फुल में 12 पीस। हाफ में 6 पीस आएंगे, ओके। अभी मलाई कबाब का भी सलाई में डाला है और अभी इसको डायरेक्टली तंदूर में डालेंगे। चलो, तो ये तंदूर रेडी है अपना। डाल दिया डायरेक्ट तंदूर में, ओके। तो अभी कितना टाइम लगेगा इसको? 10 मिनट लगेगा। अभी इसमें बटर लगाया जा रहा है। अपने मलाई कबाब तैयार हो गए। तो अभी ये साइड में है सलाद, उसका एक चीज, ओके। ग्रीन चटनी। तो इसमें क्या क्या रहता है? ग्रीन चटनी में दही, पुदीना, ओके। तो इसके प्राइस क्या एग्जैक्टली? 140 में हाफ आएगा। आप में 6 पीस आएंगे 140 में। सर जी नमस्ते। नमस्ते। मेनू में अपने पास बोनलेस में 6 आइटम है। चिकन कबाब है, 6 टाइप के चिकन सिक कबाब है। उसके बाद बोन में अपना चिकन तंदूर है, तंगड़ी कबाब है, चिकन विंग्स है, और एक प्लेटर का भी आइटम है जिसमें सब कंबाइन करके देते हैं अपन। वो प्लेटर कम से कम 4-5 लोग आराम से खा सकते हैं। तो आपके पास ऐसा क्या यूनिक चीज़ है कि आपको, आपके पास लोगों को आना ही चाहिए? आना ही चाहिए इसलिए कि जो मैरिनेशन है डेली का फ्रेश बनता है, फ्रेश चिकन रहता है, और वन गो में हम बनाते हैं, हाफ डन करके नहीं रखते। तो चिकन के जो जूसेस है उसमें अलग रहते हैं, जब भी आप टेस्ट करते हैं तो आपको सॉफ्ट लगते हैं एकदम। तो आप खाते हो तो आपको ज़्यादा च्यू करने की ज़रूरत नहीं है, वो तो आराम से आपके माउथ में मेल्ट हो जाते हैं। तो एक बेसिक यूनिवर्सल सेलिंग पॉइंट है हमारे कबाब्स का। तो आप एक बार आइए, ट्राई कीजिए, आप ज़रूर वापस आएंगे मेरे पास। अपना अशोका मार्ग पे सेकंड शॉप अपना, अशोका मार्ग पे अशोका स्कूल का जो सिग्नल है, सिग्नल से आप थोड़ा सा आगे आओगे 100 मीटर, वहाँ पे एक पंक्चर है, वहीं पे एक नासिक फूड कोर्ट है, वहाँ पे शॉप नंबर 11 अपना है, बीबीक्यू एक्सप्रेस। बहुत से शॉप है यहाँ पे। यहाँ सामने बीबीक्यू एक्सप्रेस है,